सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हो चुकी है सुबह और नाश्ता करके हम हो चुके हैं फ्री। अभी काम पे लग चुके हैं और आज रूम की डीप क्लीनिंग करने का टाइम है और मैं बेडशीट भी चेंज करने वाली हूँ, तो अच्छे से सब कुछ पोछ लेंगे, डस्टिंग कर लेंगे क्योंकि बेडशीट चेंज करनी है इसलिए। तो ये गद्दी वगैरह अच्छे से गीले और ड्राई कपड़े से मैं पोछ लूँगी क्योंकि अच्छे से वो क्लीन हो जाएगा। और पीछे थोड़ी सी जगह रहती है तो ऊपर चढ़ के ही करना होता है, तो बेडशीट चेंज कर दी हूँ ना तभी अच्छे से वो पच पीछे का एरिया अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, बाद में आती हूँ विंडो की बारी। विंडो आज साफ़ करेंगे क्योंकि थोड़े दिन पहले ही तूफान आया था ना, तो विंडो पूरी ख़राब हो चुकी है और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी पड़ता रहता है तो विंडो ख़राब हो जाती है दो चार दिन होते हैं। तो ये मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। पीछे जाके क्लीन करना पड़ता है क्योंकि पीछे का कांच थोड़ा सा ईजी नहीं रहता कांच साफ़ करना, तो थोड़ी सी जगह है तो ऊपर चढ़ के कर सकते हैं। टाइम टू टाइम करते रहते हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगती विंडो साफ़ करने में। अब सारी डस्टिंग वगैरह हो चुके हैं, अभी बारी है बेडशीट वगैरह निकालने की। तो ये पहले मैं तकिए की कवर निकाल लेती हूँ, बाद में बेडशीट निकाल लेंगे और नई वाली बेडशीट बिछा देंगे। तो ये बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैं अभी साफ़ कर रही हूँ ड्रॉअर के ऊपर वगैरह, थोड़ी थोड़ी डस्ट हो जाती है क्योंकि डस्टिंग के ना तो उड़ के यहाँ भी आती है। तो यहाँ भी अभी आ चुकी है, वो थोड़ी थोड़ी देर में वो देख जाती है कि मैं क्या कर रही हूँ और देख के आके थोड़ी देर बात करके बाद में चली जाती है टीवी देखने के लिए। तो ये पहले अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और अभी निकाल लेते हैं झाड़ू। बेडशीट वगैरह नई वाली बिछा दी है और झाड़ू लगा देंगे, और डस्टिंग की है इसलिए थोड़ा ज़्यादा कचरा निकलेगा, वरना तो इतना ज़्यादा कुछ निकलता नहीं है क्योंकि विंडो वगैरह बंद रहती है तो इतना ज़्यादा धूल वगैरह नहीं आती रूम में। तो यहाँ पर मैं सब कुछ झाड़ू लगा लिया है और कचरा भर के अभी हो चुके हैं फ्री। आप देख सकते हैं रूम चकाचक हो चुका है हमारा साफ। तो ऐसा ही कुछ रहा, अच्छे से क्लीन कर दिया है रूम। तो मम्मी ने अभी नहा लिया है, तो मम्मी हाय नहा लिया? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है तुम्हें? नहा लिया होगा? अरे मैं अपनी चप्पल पहनने भूल गई भैया, चलो पहनते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी का मेरी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही से होंगे और मज़े में होंगे अपने अपने घर में। तो शुरू करते हैं आज का दिन। नहा धो के फ्रेश हो गए हैं, लंच भी हमारा हो गया है, लंच करके काम करके भी फ्री हो चुके हैं। अभी मैं जा रही हूँ बाजार में क्योंकि शाम को हम बनाने वाले हैं समोसे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सामान लेना है तो वो लेने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि थोड़ी सी प्रिपरेशन हम अभी ही कर लेंगे तो शाम को थोड़ी सी शांति रहेगी क्योंकि समोसे में थोड़ी सी ज़्यादा देर लगती है। तो चलिए चलते हैं बाजार में। हाय दिया, क्या कर रही हो? व्लॉग बनाने के चक्कर में वो फैन भी चालू नहीं कर रही है, देखो बंद किया हुआ है। गर्मी नहीं हो रही तुम्हें? उस साइड का चालू है, यहाँ पे करना चाहिए, यहाँ पे गिरेगा नहीं। दिया सपोर्ट पे करना चाहिए, सपोर्ट की जरूरत। चलो बाय, आइसक्रीम लेके आओ। कौन सा वाला? बहुत सारी नहीं, तुम बताओ कौन सा वाला खाओगी? चोकोबार या बटरस्कॉच? चोकोबार ठीक है। तो मैं आ चुकी हूँ सामान लेके सब कुछ, और यहाँ पे लोग काम पे लग चुके खोल रहे हैं। दोनों ब्लैक ब्लैक पहन के दोनों ने मैचिंग क्यों करने किया है? ऐसा नहीं चलता। हाँ
अभी नहीं बना है, यहाँ पे कुकर सीटी मार रही है खजूर और आमली के साथ। रील वाले बच्चे आजकल के। ओ इतने सारे फूल भी दिए हैं मटर, देखो आ चटा बोला दिया मटर खोलने का, वाह दिया वाह। मैं आ गई कुछी में थोड़ी देर वॉक करने के लिए, आज से स्टार्ट किया है, नहीं इनफैक्ट कल से स्टार्ट किया है, पर कल कोई व्लॉग बनाया नहीं था इसलिए कुछ लिया नहीं था। तो चलिए अभी थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, अभी डेढ़ से ढाई बजे तक मैं आती हूँ, क्योंकि क्या है ना अभी थोड़े से फ्री होते हैं काम करके और चिराग को उठाना होता है ढाई तीन बजे, तब तक तो फ्री ही बैठे रहते हैं मोबाइल देखते रहते हैं, तो सोचा कि थोड़ी देर नीचे वॉक करने चले जाते हैं तो बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो चलिए अभी कर लेते हैं वॉक। मफिन बाहर बैठा हुआ है, दिखाती हूँ देखो कैसे बैठा हुआ है, जो जाता है वो सबके सामने वो देखता ही रहता है सब कुछ, अभी मैं आई हुई ना इसलिए बाहर बैठ गया है। देखो 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 क्यूटी है क्यूटी। वैसे मुझे डर लगता है डॉग से, वैसे मुझे डर लगता है डॉग से, उसको मैं छूती नहीं हूँ, बट ऐसे दूर से क्यूट लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो दूर से ही ऐसे देखो मेरे सामने अभी देख रहा है। चलिए अभी फटाफट से वो कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे मेरी 20 मिनट की वॉक हो चुकी है, कैपेसिटी ज़्यादा है मेरी वॉक करने की, आधा पौने घंटे कर लेती हूँ, पर क्या है ना अभी दूसरा तीसरा दिन ही ना इसलिए थोड़ी कम कमी की, एक बार ना पैर दुखेंगे ना बाद में दो चार दिन लग जाता है ठीक होने में, सो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करेंगे तो ईजी रहेगा। आप देख सकते हैं स्वेटिंग ऐसी चालू है फिर भी, सो वो पहुँच चुकी है कंप्लीट, अभी थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐसे ही करेंगे बाद में जाएंगे घर पे। हेलो गाइस, अभी हम लोग सो के उठ चुके हैं, तो मम्मी दिखाती हूँ क्या कर रही है। अब क्या कर रहे हो? चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग डिनर में बनाने वाले हैं समोसा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलो आंटी से मिलवा के आते हैं। हेलो आंटी, क्या देख रहे हो? चाय नाश्ता और टीवी। मैंने क्या देख रहे हो बोला? बोला ना टीवी, चाय नाश्ता और टीवी। और यहाँ पे हमने समोसा बनाना स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए हमने पहले मैदा लिया है, उसमें ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के हम आटा गूंद लेंगे, क्योंकि आटे को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा हम आटा रहने देंगे गूंद के, तो अच्छे से वो हो जाएगा। तो पहले इसे मैं पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं और ज़्यादा टाइट भी नहीं, इस तरीके से हम आटा गूंद लेंगे, बाद में इसको ढक के रख देंगे हम, तब तक हम स्टफिंग वगैरह सब कुछ बना लेंगे। तो ये आटा हमारा गूंद चुका है और यहाँ पे हमने खजूर और इमली की चटनी भी बना दी है, इसको बॉईल करके हमने इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची की पेस्ट डाली है, लाल मिर्च और थोड़ा सा गर्म मसाला, धनिया जीरा पाउडर ऐसे सब कुछ डाल के चटनी बना दी है। बाद में ये थोड़ा सा हम मसाला प्रिपेयर कर देंगे समोसा के लिए, इसके लिए हमने तो धनिया डाल दिया, साबुत धनिया आता है वो तज डाल दिया है और सौंफ डाल दी है। अभी इसमें डाल देंगे हम कोकोनट पाउडर जो आता है वो, सो इसमें हम डाल दिया है, इसको अच्छे से अभी मिक्सर में हम कर देंगे क्रश। और यहाँ पे आलू और मटर भी हमने बॉईल कर दिए हैं साइड बाय साइड, तो ये बॉईल हो चुके हैं और ये मसाला भी हमने क्रश कर दिया है अच्छे से मिक्सचर जार में, और ये मटर और अभी हम ये मटर और आलू बॉईल किए हुए हैं उसको मैश कर देंगे अच्छे से पाव भाजी मैशर से, तो इसको अच्छे से मैश कर देंगे, मटर के दाने थोड़े थोड़े रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आलू अच्छे से मैश कर देंगे।
यहाँ पे हमने रख दिया है ऑयल, उसको अच्छे से गर्म होने देंगे। बाद में इसमें डाल देंगे हम जीरा, बाद में डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और बाद में अदरक मिर्ची और लहसुन की हमने पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे। तो इसको हम अच्छे से पका लेंगे, अदरक मिर्ची और लहसुन की पेस्ट को। उसको पकने के बाद हम डाल देंगे अनियन, अभी इसमें जा रहा है अनियन। अनियन को पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको अच्छे से पहले पका लेते हैं अनियन को। अभी डाल दिए है इसमें थोड़ी सी हल्दी, तो हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। बोलो एटले तो बंद कर दे। अभी इसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला, और बाद में वो हमने पाउडर जो पीसा था वो डाल देंगे, जो धनिया और सौंफ का पाउडर था कोकोनट का वो डाल देंगे सभी। सो अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पाउडर डाल के अनियन के साथ। तो ये इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और बाद में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और बाद में पोटैटो और मटर को हमने जो मैश किया था वो डाल देंगे। तो अभी ये डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अभी इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शुगर डाल देंगे इसमें, और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उतारो तो कहीं दिया, यहाँ पे पानी पीने आई है दिया। तो दिखा दिए है पहले ही, तो वो क्या बोलते हैं। चलो बाय राजस्थान, बाय थाईलैंड, बाय बाय। कल का वो व्लॉग आपने बहुत जल्दी ही एंड कर दिया था, और एंडिंग नहीं थी ऐसा भूल गई थी, देर हो गई थी ना घर पे आते आते, इसलिए मैं भी भूल गई थी आपको बोलने। ओ तुमने बोला होता तो मुझे याद आ जाता। और अभी हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा लेमन, तो खट्टा मीठा टेस्ट आएगा मसाले का। तो अभी सभी चीज़ को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और बाद में हम डाल देंगे ऊपर से कटा हुआ धनिया। तो ये हो गया है डन हमारा मसाला, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें समोसा बेलना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और आटा भी अच्छे से सेट हो गया है, तो अच्छे से वो बेला जा रहा है। तो ये समोसा हम बेल लेंगे, वो मोल्ड आता है इसमें ही बनाएंगे हम समोसा। और यहाँ पे साइड बाय साइड हम समोसा भरते भी जा रहे हैं इस मोल्ड की मदद से। तो इससे भरते हैं ना तो अच्छे से शेप में भी आता है और अच्छा रहता है। तो हम इस मोल्ड से ही भरते हैं समोसा। और ये तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे समोसा। बाद में गैस की फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर देंगे, स्लो फ्लेम पर अच्छे से पकाएँगे समोसा। तो ये इतने हमने डाल दिया है एक लोट में। सो यहाँ पे हमारा समोसा तल रहा है, उसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर देंगे, आप देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो पेशेंस के साथ हम इसको फ्राई करेंगे। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने बनाए थे समोसे और सबको बहुत ही अच्छे लगे। तो थोड़े से टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समोसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एक दो घंटे लग जाते हैं बनाने में। तो मज़ा आया, सबको अच्छे लगे, और बहुत टाइम बाद भी हमने बनाए थे तो मज़ा आया, सबको अच्छे लगे, एंजॉय किया सबने। बाद में हम वो करने चले गए थे, तो वीडियो का एंडिंग लेना रह गया था। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। सो तब तक के लिए बाय, हर हर महादेव।